नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद बांदा में आज दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के दौरान भव्य जुलूस देखने को मिला, जिसमें तरह तरह की दुर्गा प्रतिमाओं की झांकियां देखने को मिली। माता को अंतिम विदाई देने के लिए उनके भक्तों ने बाकायदा ढोल नगाड़े लाउडस्पीकरों के साथ माता की विदाई की। दोपहर से ही देवी प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा है, जो रात लगभग 10 बजे तक चलता रहेगा। जगह जगह प्रसाद वितरण और भंडारे हो रहे हैं और शहर के केन नदी में शांतिपूर्ण ढंग से देवी की प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा रहा है। दुर्गा पूर्ति विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जुलूस का रूट चार्ट तैयार कर जगह जगह भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं विसर्जन जुलूस के दौरान लोगों ने जगह जगह पानी, हलवा व अन्य सामग्रियों का जमकर लंगर किया। देवी विसर्जन के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा देखने को मिला। शहर में लगभग 200 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी केन नदी में डेरा डाले हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने पाए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 9 बोट और तैराकियों को तैयार रखा है। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। बड़े आदमी आगे जाए के अंदर। धन्यवाद। जब विसर्जित करना, ठीक है, 10-10 के 3 कट कर दे। मुन्ना सिंह मिंटर आया, तुम जियो हजार तो आपने जो 9 दिन किया है कृपया शांति से उन्होंने क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम मुदित कुमार शर्मा एडवोकेट हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय संयोजक हूँ, विधि एवं कानून प्रकोष्ठ का। चाचा, ये कैसा प्रोग्राम है? नवरात्रि पर्व पे आज दसवीं का जो विसर्जन कार्यक्रम है, महानवमी कहते हैं इसको, आज इसमें हमारे परिवार द्वारा, हमारे बड़े भाई, हमारे प्रेरणा स्रोत, इसके पहले भी कार्यक्रम चलता था, दिनेश कुमार जिंदा शर्मा जी एवं जितेंद्र शर्मा एडवोकेट जी के घर का अपलोड आ रहा है। ये कार्यक्रम गत कई वर्षों से चलता चला रहा है। इधर 2 वर्ष है कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस वर्ष 2021 की शारदीय नवरात्रि पर ये कार्यक्रम हमने पुनः इसको सुचारू रूप दिया है। हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे भाई हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं और मेरे भाई, मेरे भतीजे सब इस कार्यक्रम को मिलजुल कर इष्ट मित्रों सहित कार्य कर रहे हैं। सर, जैसा कि आज दशहरा भी है, तो क्या आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता को केवल यही संदेश दूंगा कि अच्छी तरह सौहार्दपूर्वक त्यौहार को मनाएं।